नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादों में घिरते दिख रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आज तक चार हाथ वाला बच्चा नहीं पैदा हुआ तो फिर चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। दीपोत्सव अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा है कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख और दो छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट, पीठ होती है। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घर वालों की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं। राघवेंद्र जी, एक बार फिर देखा जाए तो यहाँ पर लक्ष्मी को कहीं ना कहीं यहाँ पर, और हमारे साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विवादित बयान आया है लक्ष्मी माँ को लेकर, उन्होंने कहा है कि चार हाथ नहीं होते हैं किसी भी के, और अगर असल रूप में पूजना है आपको तो आप घर में अपने घर वालों को पूजिए, घर में जो महिलाएं हैं उन्हें पूजिए, इस तरह का बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है, तो एक बार फिर से वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसके पहले रामचरितमानस की चौपाई, सूत्र गंवार, ढोल पसमारी, ये सब ताड़न के अधिकारी इसको लेकर बयान दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि मेरा बहचरत में रामचरितमानस को जला दूंगा, और उनके समर्थकों ने उनकी प्रतियां भी जला दी थी। इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी में जब BS4 हुआ करती थी, उस समय नारा देते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, तमाम देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। तो बसपा से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, फिर भाजपा में गए, भाजपा में मंत्री बने, उस समय राम की पूजा करते थे, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे चीफ गेस्ट बुलाए जाते थे उसमें जाते थे, इनकी आस्था उस समय रहती थी। लेकिन अब पिछले चुनाव में, जो पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का हुआ है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में चले गए, पडरौना से चुनाव लड़े, चुनाव हार भी गए, लेकिन सनातन पे उनका पुराना स्टैंड अब फिर कायम हो गया है। अब एक बार फिर वह सनातन धर्म को गाली देने लगे हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, अखिलेश यादव हालांकि अपने मुंह से कभी भी सनातन के प्रति कोई भी टिप्पणी नहीं की, वह केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ भी गए, दर्शन करके आए हैं, दीपावली का त्यौहार भी मनाते हैं, नवरात्र में कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता हैं जो इस तरह के एक विवादित टिप्पणी कर देते हैं। इससे कहीं कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखता है, और समाजवादी पार्टी को इसको पैचअप करने में, इसको डेंट लगाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको महीनों लग जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देता है कि अपनी पत्नी की पूजा करो, तो वेद भी कहते हैं, चौपाइयां भी हैं, यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, नारी की पूजा सर्वथा उचित माना गया है, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, लेकिन सबके अपने अपनी आस्था है। अगर आपकी आस्था अपनी पत्नी के पति, पत्नी की पूजा करिए, हर आदमी अपनी पत्नी की बात मानता है, उसको सम्मान देता है, लेकिन पूजा वह देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती जी की ही करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान देकर एक बार फिर कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है, और खासतौर से कांग्रेस भी इस बयान की निंदा करी है। कांग्रेस ने साफ कहा कि किसी भी धर्म पे हमला बोलना इस तरह से उचित नहीं है, अगर चार हाथ, चार नाक, चार कान नहीं हो सकते हैं तो जिसकी जो आस्था है पूजने दीजिए। सनातन धर्म तो कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, नदियों सबकी पूजा करता है, उसमें अगर सिंबोलिक तौर पर लक्ष्मी की पूजा करता है सनातन धर्म के लोग जो अनुयायी हैं, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं कहीं अपने बयानों से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एक तरह से बैकफुट पे ला देते हैं। और आप जानती हैं प्रियंका जी कि जब आप धर्म की बात कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ जाती है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मुद्दा हुआ है, कुछ नेताओं ने सनातन के प्रति कुछ टिप्पणियां की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। स्टालिन ने सनातन धर्म के खात्मे की बात की तो मोदी तक उस पर हमलावर हो गए। इसी तरह से नीतीश कुमार के मुंह से विधानसभा के अंदर कुछ शब्द निकला तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुद्दा बना दिया, नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी तक अपने बयान से नहीं मुकरे हैं। इसके पहले जब इन्होंने रामायण की चौपाई खिलाफ बयान दिया था, मानस की प्रतियां इनके समर्थकों ने जलाई थी,
उसका मामला भी दर्ज है, वह कोर्ट में चल भी रहा है, उसके बाद भी अगर इस तरह का बयानबाजी देते हैं तो जान लीजिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर मुद्दा दे रहे हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, दीपावली जैसे पर्व पे प्रकाश की लोग खुशियां मना रहे हैं, ऐसे में एक दिन बाद आप ट्वीट कर देते हैं कि लक्ष्मी को चार हाथ चार नाक चार कान नहीं हो सकते हैं, अपनी पत्नी की पूजा करिए। पत्नी की पूजा करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जिस तरह से आप किसी देवी या देवता पे जब टिप्पणी करते हैं तो एक वर्ग है जो आहत होता है। वह अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, इसमें कुछ लोग FIR दर्ज कराते हैं, नहीं दर्ज कराते हैं, लेकिन इतना जरूर है अखिलेश यादव जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है, वह कभी नहीं चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को धर्म का कोई मुद्दा हाथ में दे दें इसके नाते। और स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पुत्र आते हैं, यही समझ में नहीं आता है। या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ नहीं है कि मोदी मतलब सनातन नहीं है, भाजपा मतलब सनातन नहीं है, उनको लगता है कि अगर मोदी को गाली देना है तो पहले सनातन को गाली दे दीजिए तो मोदी अपने आप उनको गाली पड़ जाएगी। अब देखना होगा कि इसका फायदा सपा को कितना होता है और समाजवादी पार्टी इस बयान से अपना नाता जोड़ती है या किनारा कस लेती है। क्योंकि जब पिछला चुनाव जब पिछला बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था तो अखिलेश यादव ने साफ कहा था या उनका व्यक्तिगत मामला है, उस समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक बार मुंह से बात निकल जाती फिर वापस नहीं आती, वह मुद्दा बन जाता है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हारे हैं उनकी बौखलाहट अभी कम नहीं हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने विधान परिषद का मेंबर बनाया और सदन में पहुंचा दिया है, लेकिन गाहे बगाहे जिस तरह सनातन पर टिप्पणी करते हैं, 2024 का चुनाव कहीं अखिलेश यादव को भारी न पड़ जाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दे को भुनाने में बहुत आगे है, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, मायावती भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। जी प्रियंका बिल्कुल राघवेंद्र जी, और जिस तरीके से हम देखें कि जो सनातन नहीं है वो कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है देवी देवताओं में है, और ऐसे में ठीक है अपनी पत्नी की पूजा करना सही है, लेकिन अगर देखें तो देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि इसका नुकसान भी सपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।